इन कुंभकर्णों को देखिए, आज जाना है, 10 बजे है हम लोगों की गाड़ी, और 9:30 बजे तक ये लोग का ये हाल है। तीनों के तीनों पसरे हुए हैं। स्पीड मत जाइएगा इस मासूम से चेहरे पे, ये भी अभी ही जगी है। अब मैं तो सुबह 6 बजे जगने वाला इंसान। हाँ, ये तो वाह, ये तो मतलब जागले रहते ही सोते। और ये देखिए, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, वो गलती से एक दिन रेडी हो गई है तो दिखा रही है। ये देखिए, ये जो बोल रहा है ना, इसको देखिए, फिर से ये सो गया, लेकिन हमको बोलना नहीं छोड़ता है। ये देखिए, मैं रेडी हो गई ना। जल्दी करो, नाटक नहीं करो। चलिए फिर, अब गाड़ी है, अभी मुझे थोड़ा बहुत समेटना है। बाय बाय, अब गाड़ी में बैठ के फिर से बात करती हूँ। और आज ये हमारा दार्जिलिंग का लास्ट टूर है। बहुत मजा आया। बहुत अफसोस हो रहा है कि जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, फिर से आ जाओगी बाद में। बाय बाय। निकल चुके हैं अपने होटल से एनजीपी के लिए, मतलब मिली खोते हुए एनजीपी के लिए। तो मैं इसलिए नहीं बोल पा रही क्योंकि मैंने खाया पल्स चॉकलेट। मामा जी, और हम लोग फंसे हुए हैं बेजोड़ वाला जाम में। वो गाड़ी चला। गाइस, बाबा तुम क्या कर रही हो? हम इयरिंग्स को, क्योंकि जब बैग पैक हो रहा था तो सारा इयरिंग्स भी डला चुका था। मामा जी, तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गुड मॉर्निंग। नहीं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं दादा, गजब बेइज्जती। गजब बेइज्जती है। कुछ जान दिखाती हूँ, देखिए पूरा आगे तक गाड़ी में जाम लगा हुआ है। चटनी जो हम नहीं ले पाए, हमको बहुत बुरा लग रहा है। बोलिएगा, चटनी चूरन नहीं ले पाए तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। इमली पी दो, और क्या क्या यहाँ का बहुत सारा फेमस आइटम, कुछ भी नहीं ले पाए, भूल गए लेना, कल के भरोसे रह गए। वो कल कभी आया ही नहीं। हाँ, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये है मेरी लल्ला, इयररिंग्स मिल चुका है। और ये है मेरी लल्ला, और आगे का जाम भी दिखा सकती हो तुम? दिखा दिए, क्योंकि बहुत बेजोड़ वाला जाम लगा हुआ है। आगे से रहता तो दुकान में ले भी लेते। उधर देखो ना, वहाँ तक जाम लगा है। देखो ना, उधर देखो ना। अरे भाई, सही में फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको गाड़ी दिख रही होगी, वहाँ पे जा रहा है जाम। इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है ना आवाज़ जी? नहीं, वो रोड नहीं, ये दूसरा रोड है। क्या कह रहे थे? और ये वो दुष्ट मामा है, इस मामे को दिखाओ जिसने अपनी भगनी को बनाया उल्लू। देखा आपने फ्रेंड्स, किस इसके बारे में क्या बोलते, मतलब टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, मच रहा बवाल क्यों है, उड़ता ही है। और आपने ये गाना सुना, ये एंटरटेनमेंट के लिए था। ये देखो रेलवे ट्रैक, वही क्या बोलते हैं उसको, ये है टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक। हाँ, हम भी एक बार भी नहीं देखे, एक बार देख भी लेते संतोष जाता। दिखी गया लास्टली, बेजोड़ हो गया। चलो, मतलब अभी सोचा ही आते क्या है। इसी तरह इमली पीरो भी ले पाए तो कितना अच्छा रहे। वो बस बस कृष्णा भाई, हाँ तुम सीधा लो। वो देख लिया। Why train in Darjeeling? Bus.
आगे वाला गाड़ी स्कूल में किया मेरा गाड़ी तो एकदम हम लेके चल रहा था क्या है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तो हमें यहाँ से जाना है पशुपति मार्केट, इसीलिए हमने यहाँ पे गाड़ी छोड़ दी है। आगे जाकर और दूसरी गाड़ी लेनी है, तो चलिए चलते हैं। तो हम क्या तो हम लोग आ चुके हैं अब नेपाल। नेपाल में तो हम लोग आगे आ चुके हैं अब नेपाल में, और अब जा रहे हैं हम लोग पशुपति मार्केट। तो और चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं घूमने फिरने, और काफी एक्साइटमेंट हो रहा है नेपाल आने का। तो आइए चलते हैं। चला गया पूरा, क्या चीज पूरा डाउन डाउन। सबको नेपाली आने लगा। ऐ चक्की में नेपाली बोलते बोलो बेटा, ये तो ऐसे ही नेपाली हम लोग आ चुके हैं नेपाल, और यहाँ आए हैं एक टेंपल में, पशुपति टेंपल, मतलब वो वाला नहीं, यहाँ पे एक दूसरा भी पशुपति टेंपल है। और ये है यहाँ का मेन टेंपल, जो मेन मंदिर पशुपति मंदिर। तो ये देखिए, ये है पशुपति भगवान। वहाँ पे जैसे पशुपति भगवान है वैसे ही यहाँ पे भी है, बस ये उन्हीं का रूप है। ये घंटा बजाते हुए घंटाधर, चलो चलो नंदी महाराज और हमारे पशुपति नाथ। कहते हैं पशुपति नाथ से कुछ भी मांगो तो वो मिलता है, तो आप लोगों की जो भी इच्छा है वो इनका दर्शन करते हुए मांग लीजिए, हो सकता है आपको भी मिल जाए। और ये हम लोग आ चुके हैं पशुपति मार्केट नेपाल में जो है। तो ये देखिए, यहाँ और आगे जाएंगे जितनी दूर जाएंगे चारों तरफ दुकानें ही नज़र आएंगी, और सब जगह यहाँ पे कहते हैं कि सामान बहुत सस्ता मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या सस्ता मिलता है और हम क्या क्या ले पाते हैं। नहीं, तुम कहाँ हो, तुमको पता है, बता दो तुम कहाँ हो।
नेपाल का झालमुरी कैसा लगा? हाँ हाँ, चाय पीने में कैसा लग रहा है आपको? बस जाओ देखो क्या है। कृष्ण सर, आपको नेपाल का चाय कैसा लगा? ये नेपाल का चाय पीकर नेपाली बोलने लगा, इतना असर है नेपाल के चाय में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो भी यहाँ नेपाल आइएगा, आफ्टर 60 डेज मैं थाईलैंड का चाय पी के दिखाऊंगा। तो ओके, मेरी बेटी क्या देख रही है? चटनी चूरन। अच्छा, चाहिए एकदम ठंडा करके दीजिएगा। हम निकल चुके हैं नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल से, और अब वापस से कार की ओर जाते हुए, और यहाँ पे हमारी पार्किंग, और हमने लिया कुछ सामान जो कि आपको दिखाऊंगी आगे जाकर। ये सारा नेपाल से लिया है हमने। हाँ, ढेर सारा चॉपस्टिक्स भी लिया है, और चलते हैं हमारी कार की ओर। यहाँ का तो पार्किंग एरिया भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये सारा नेपाल का सामान, और नेपाल से आके काफी खुशी हो रही है। अब हम आ चुके हैं मिरिक में, तो ये देखिए मिरिक का लेक है ये, और यहाँ क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि दार्जिलिंग गंगटोक तो आ चुके हैं पहले, लेकिन मिरिक और वो जो पहले गए थे हम लोग इससे पहले, ये पशुपति मार्केट नेपाल, वो दो जगह मैं पहले नहीं गई थी, तो ये दो जगह मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। वो पशुपति मार्केट सो था, बस ठीक है, आप जाके थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मिरिक कभी जस्ट हम यहाँ पे इन किए हैं। पशुपति मार्केट में एक चीज़ था कि वहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स था वो बहुत सस्ता था। अब कैसे था क्या था ये पता नहीं, लेकिन हाँ सस्ता था, बट मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, थोड़ा बहुत सामान बस लिया है, वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। काजल, लिपस्टिक बाबू के लिए, लिप बाम और चॉपस्टिक ढेर सारा, शिवानशी राजेश की दोस्त के लिए, उसकी बहन के लिए, सबके लिए, हाँ, और शिवानशी राजेश के लिए भी, और हाँ हाँ तुम्हारे लिए भी। और ऐसा कुछ लिया नहीं। हाँ, मैंने अपने लिए बहुत सारा वो आम पापड़ वगैरह, बहुत मस्त टेस्टी टेस्टी चटनी चूरन वो बोलते हैं ना, वो हमने लिया मेरे लिए। और बाकी अभी मिरिक में आई हूँ, अब देखती हूँ क्या है या नहीं है, कुछ पता नहीं। लेक ही दिख रहा, कुछ है ही नहीं। अब अभी तो यहाँ पे लेक ही दिख रहा है, अब हम और आगे जाए तो ही पता चले। हम लोग कहाँ थे फर्स्ट, देख लीजिए हम लोग कहाँ आ गए। तो अभी देखिए पीछे से हम लोग आए हैं, तो ये सब जगह तो थोड़ा घूमना चलना लगा रहता है, तो ये देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं आगे, घर और ऐसा कुछ है जाने का जगह। चलिए, हाँ, ओ देखिए यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लेकिन वो शिवानशी राजेश को तो पहले से एकदम चिड़चिड़ लग रहा था, अब तो बोटिंग करेगी नहीं। अच्छा, ये देखिए, चलिए अब वोटिंग करेगी ये, तो चलिए चलते हैं और आगे, तब पता चलेगा क्या है यहाँ यहाँ की खूबसूरती। जो भी है सब जगह की भैया बहुत अच्छी है, बाकी स्टेशन में आके इतना धूप मिला तो क्या ही बोले। तो क्या दोपहर में धूप नहीं मिलेगी तो क्या छाँव मिलेगी? ये क्या दिसंबर में आई हो क्या, जब बर्फ मिलेगा? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या हुआ मेरे प्यार, वो देखिए, तो ये काफ़ी खूबसूरत निकला, वहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, बट यहाँ से पता चला कि ये बहुत खूबसूरत है, तो चलते हैं और आगे और देखते हैं। हाय,
आप लोग यही किए? बाबा ये कितने को दिखाते दिल बन गया वैसे। तो अभी इन लोगों ने बताया हमें कि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, तो चलिए और चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या अच्छा है, पहले तो हमें लग रहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है देखने के लिए। वहाँ पे तीन लड़कियाँ थी यहाँ की लोकल, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक, और यहाँ की एक मॉनेस्ट्री है जो बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल है। तो चलेंगे हम लोग वहाँ पे भी, तो चलिए चलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, और इधर देखिए घोड़ों का किसी को हमने घोड़ों की सवारी करवा दी है, कृष्णा ने नहीं किया है, तो कृष्णा अगर चाहे तो कर सकता है क्या बाबू? नाना नाना कृष्णा का चुका फ्री में। देखो अरे तो भागलपुरी घोड़िया देखिए छोड़े क्या तुम, चलो पूछ के आते इधर। भूखड़ एक नंबर की, जहाँ देखती है कुछ खाने पीने का। भूख लग गया दीदी? हाँ चलो चलो। पति देव ने मंगवाया है वेज थाली, हमने मंगवाया है ये थुप्पा। थुप्पा कहाँ गया? थुप्पा ये अच्छा लग रहा है, देखा होगी क्या खाओगी? हाँ मंगवा लो। खाते हुए बाबू थुपका कैसा लगा? बाबू थुप्पा कैसा लगा? थुप्पा आपको कैसा लग रहा है? खा के देखने दो। अरे धीरे पको यार, अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत टेस्टी ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है। हमने ये नया इन्वेंशन किया थुपका के साथ पापड़ डाल के, अब ज्यादा मन खा ले उसके बाद। तुम हाथ में आने के अपने बांधे के, देखो ना देखो ना देखो ना बाबू देखो ना, लगा ली अपने तुम क्या मुंह में कौर करके खिलाओगी? देखो 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 मामा जी खिला के देखो।
बैठ जाओ शांति से, हिलाएगा हाथ तो डर जाएगा। बाबू को देखिएगा, बाबू उड़ा देते हैं। पकड़ी गए, पकड़ी, हटो हटो, देखो बाबू को खिलाने का मन कर रहा है। डाल दो बेटा, डाल दो, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। खा लो कबूतर, बाबू तुम लोग को चना खिला रही है, खा लो। डाल दो बेटा, तुम उसका मुंह में नहीं खिला पाओगी, तुम छोटी हो ना। डालो, नीचे डालो, नीचे डालो जल्दी से, तो देखो आके खा लेगा तुम्हारे पास। नीचे रख दो, नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे रखो, रखो, नीचे रखो, रखो। हो गया, डॉगी से बात कर ली, अब चलो बाय कर दो डॉगी को। चलो अब चलो, डॉगी को बाय कर ली ना, तो अब पापा जी के पास चलो। नीचे देख के भरोसा नहीं है कुछ, किसी कभी दौड़ाते रहती है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कबूतर। बाबू छोड़ दो बेटा, नहीं परेशान करो डॉगी को, इधर आओ। चलो भाई। और ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है, एंड हम लोग यहाँ से ही वापस जा रहे हैं क्योंकि वो एक मॉनेस्ट्री हम लोगों का रह गया, क्योंकि हमारी गाड़ी उल्टी साइड में खड़ी है, तो हमें यहाँ से वापस जाना होगा। बट जो भी है, ये पूरा जगह बहुत खूबसूरत था। तो वापस चले हम, लेकिन बड़ा प्यारा सा प्यारा जगह था ये पूरा मिरिक। तो अब चलते हैं वापस बैक टू पवेलियन, क्योंकि अब तो वापस जाना है आसनसोल। तो अभी बाकी है हमारा ब्लॉग, कंटिन्यू बने रहिए। अभी तो हमें जाना है हांगकांग मार्केट, क्योंकि वो हांगकांग मार्केट मुझे घूमने का बहुत शौक था, तो इसीलिए एक दिन पहले का हमने टिकट करवाया है, सॉरी एक दिन बाद का टिकट करवाया है। कल हम लोग NJP में रहेंगे और हांगकांग मार्केट आज घूमेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। चलो जल्दी, देखो इधर, देखो इधर, चलो फिर चलिए चलते हैं हांगकांग मार्केट। गाड़ी के पास अभी चल रहे हैं, उसके बाद हांगकांग मार्केट जाके बात करते हैं। तुम यही बैठोगी? पानी भी फेंकाओगी? देखो इधर पानी है, चलो चलो पानी में चलो, चलो चलिए।
पगडंडियों पर हम लोग चल रहे हैं, ऐसा फीलिंग था। कभी कभार सुनते हिंदी भी काफी अच्छा होता है।